हेलो मैकेनिक दोस्तों, तो आज दोस्तों हम लाए हैं आपके लिए टीवीएस आरटीआर अपाची का डिस्क प्रॉब्लम, जो जनरल सी हर गाड़ी में डिस्क का प्रॉब्लम होता है, जो डिस्क जाम करता है। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट किस तरह से करें, तो बने रहे दोस्तों वीडियो में दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो आपको दिखाते हैं कि डिस्क जो है जाम कर रहा है किस तरह से, आप देख सकते हैं डिश काफ़ी जाम कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है कि जब गाड़ी आप चलाएंगे, गाड़ी अगर टर्निंग में मूव करेंगे गाड़ी को, तो आप इससे गिर भी सकते हैं। इसकी वजह से काफ़ी खतरनाक ये है। तो ये किस तरह से ये सॉल्व होगा प्रॉब्लम, तो बने रहे वीडियो में दोस्तों दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ये दोनों पेचकस वाले स्क्रू है, इसको खोल लें, इसको खोल लेना है। नेक्स्ट इसमें दो नट रहेंगे, चार नंबर एलकी से खुल जाएगा ये नट, चार नंबर एलकी से आराम से खोल लें इसको। इससे क्या होगा कि जो आपका डिस्क जो है, डिस्क का पत्ती को निकालना होगा। उसके बाद दोस्तों दिखाएंगे एक प्रोसेस क्या क्या किस वजह से ये जाम करता है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में, टाइम लैप एंजॉय करें। तो दोस्तों अभी ये ऊपर वाला, ये दो नंबर वाला नट जो ऊपर के साइड में होता है, दो नट दोनों डिश पत्ती में फंसे हुए होते हैं, तो इसको पहले निकाल लेना। सिर्फ अपाची में होता है इस तरह का, बाकी अदर गाड़ी में सिंगल होता है नीचे साइड में। अलग अलग कंपनी की अलग अलग सिस्टम रहती है गाड़ी में, तो अपाची में खास तौर से इसी तरह से देते हैं। तो उसके बाद ये 12 नंबर के रिंच से इसको खोल लेना है दोनों नट को। सबसे पहले दोनों नट को खोलना है, ये दोनों को, उसके बाद ये नट खोलना है। पहले आप इसको खोल देंगे तो वो खुलेगा नहीं। तो दोनों निकाल लिया हूँ, अब इसको निकाल लेना है। अब उसके बाद वो खुल चुका है ये, इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे इस तरह से ताकि आराम से निकल जाए। बहुत ज़्यादा ही लग रहा, थोड़ा खुल नहीं पा रही। अब इसको जो है हम नहीं खोलेंगे, उसको उसी तरह रहने देंगे बस। अब इसको निकाल लेना है क्योंकि एक डिस्क का जो ये डिस्क का पत्ती होता है, ये जो देख रहे हैं आप, ये फंसा हुआ होता है इसमें, हमको निकालना ये वाला है, इसलिए ये पत्ती निकाल लें, बाकी उसको रहने दें। इसको इस तरह से खींच लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है काफ़ी इसका ये पानी उनी पड़ के थोड़ा ख़राब हो चुका है, कलर भी इसमें ग्रीस जो है पूरा सूख चुका है ये। तो इसको ग्रीसिंग कर ले अच्छे से। और ये रबर जो है, ये रबर रिटर्निंग का काम करता है इसमें। तो मेन सीन है ये दोनों रबर का ही, ये दोनों रबर जो है रिटर्निंग करता है। आप इसका अगर पम्प अच्छे से नहीं बनेगा तो रिटर्न नहीं होगा। तो इसको देख लें कि कहीं से लीकेज वीकेज तो नहीं है, अगर लीकेज रहेगा तो पम्प नहीं बनेगा, अच्छे से रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों किस तरह से किया जाए तो आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको खोल लें, अच्छा से साफ कर लें, उसके बाद ग्रीस लगाएंगे अच्छा से। तो इसको अच्छी तरह से थोड़ा साफ कर लें, और साफ करने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल काफ़ी ग्लो कर रहा है ये। अब इसको रख देना है। और इसका जो रबड़ है, इसको पेट्रोल से कभी ना धोएं, पेट्रोल से धोएंगे तो ये लगाने लायक भी नहीं रहेगा क्योंकि पेट्रोल से ये फैल जाता है। तो इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद जो है इसमें अब हम करेंगे, इसको दोबारा लगा देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इसको इस तरह से थोड़ा ग्रीस लेके हल्का लगाना, ज़्यादा लगाने से फिर अंदर ही नहीं जाएगा वो। हल्का हल्का इसमें ग्रीसिंग कर दें। तो ये हो चुका है, अब ग्रीसिंग इसमें कर दिया हूँ। हल्का सा ग्रीस लेके इसके अंदर में भी लगा दें हल्का सा। और उसके बाद इसको दोबारा, तो देख सकते हैं रिटर्निंग काफ़ी अच्छा कर रहा है ये, और काफ़ी अच्छा रिटर्निंग है इसका। तो अब इसमें लगाएंगे, अब ये काम करेगा बढ़िया। सू जिस तरह से था उस तरह से इसको हम बैठा देंगे। उसके बाद जो है थोड़ा दबा के अंदर से इसको थोड़ा नीचे की ओर धकेल देंगे ताकि वो अपने जगह में परफेक्टली चले जाए। अब इसको हमको करना है टाइट, जैसे इसको खोले थे उसी तरह फिट कर दें। तो दोस्तों ये हो चुका है टाइट। अब इसका जो कवर है ये हम लगाएंगे, खैर वो बाद में लगा देने से चलेगा। तो इसको थोड़ा सा पेचकस की मदद से इसको थोड़ा सा फैला दे, जो पिस्टन है इसको थोड़ा फैला दे अंदर की ओर। उसके बाद
इसमें आराम से हम लगा देंगे। इसके नट जो है 12 नंबर साइज वो इसमें डाल दें। तो ये हो चुका है, अब हम इसका ये वाला कवर नट लगा देंगे। तो ये हो चुका है तैयार, आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी चक्का कितना फ्रीडम घूम रहा है, इसको रोकने की जरूरत भी नहीं है, ये अपने से घूम